ये देखिए मेरा दूसरा फार्म। दो दिन पहले मैंने अपने एक फार्म को दिखाया था, उसमें जो चूज़े थे उनको दिखाया था। ये मेरा दूसरा फार्म, ये थोड़ा छोटा है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे 10 दिन के चूज़े हैं अभी। ये चूज़े 10 दिन के हैं। और ये 15 दिनों में तैयार हो जाएंगे 1.25 किलो के। 1 किलो 300, 1 किलो 400 ग्राम के हो जाएंगे। देख सकते हैं इस फार्म की कैपेसिटी 1400 मुर्गियों की है, लेकिन गर्मी की वजह से हम लोगों ने कम डाला है, क्योंकि जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतनी मोर्टैलिटी हो जाती है। इसीलिए कम से कम, देखिए बिल्कुल ये हवादार फार्म। लंबाई इसकी 80 फीट और चौड़ाई लगभग 32-33 फीट है। देख सकते हैं बिल्कुल हवादार हवा आई, इधर से निकल गई। ये है इसका चारा मुर्गियों का। ये स्टार्टर क्रम्स है। जब ये मुर्गियाँ 13 दिनों की हो जाएंगी, 13-14 दिनों की हो जाएंगी, तो फिर अभी 10 दिन की है, 2-3 दिनों के बाद इन्हें ये दिया जाएगा। जब चूज़ा छोटा होता है, 1 दिन का होता है, 1 दिन से लेकर 13-14 दिन तक उन्हें प्री स्टार्टर क्रम्स दिया जाता है। देख सकते हैं प्री स्टार्टर क्रम्स 1, 2, 3, 4, यानी 4 दिन चलेगा ये, 4 से 5 दिन ये चलेगा। उसके बाद फिर ये स्टार्टर क्रम्स जो है वो दिया जाएगा, जो प्री स्टार्टर से थोड़ा सा बड़ा साइज़ में होगा। ये स्टार्टर तब तक चलता रहेगा जब तक मुर्गियाँ निकल ना जाए यहाँ से। देख सकते हैं मुर्गियों के लिए जो भी भूसा होता है वो खरीद के रखा हुआ है। ये देखिए विमरल, ये टॉनिक है मुर्गियों को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए, ग्रोथ के लिए। इसे भी हम लोग देते हैं विमरल को इस पाउडर के साथ, फ्लोरा गोल्ड इस पाउडर के साथ दिया जाता है। प्रति 1000 पे इसको खत्म कर दिया जाता है। देख सकते हैं जो क्वांटिटी है वो। ये जो पाउडर है वो ग्रोथ में बहुत मदद करता है, ऐसा देख भी सकते हैं। और ये आजमाया हुआ है, हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं। तो फ्लोरा गोल्ड और विमरल ये दोनों को मिला करके विमरल
जो पानी दिया जाता है, पानी के साथ फ्लोरा गोल्ड को पहले घोल लेते हैं, उसके बाद विमरल को उसमें मिला करके इन चीज़ों को दिया जाता है 7 डेज तक, 7 दिनों तक इसको देते हैं। ये देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है अलग अलग साइज़ की मुर्गियों का, जो क्या क्वालिटी, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए इसकी, ये लिखा हुआ है देख सकते हैं। देखिए क्योंकि हम लोग छोटे है, छोटा में हम लोग दे देते हैं इसको, तो प्रति 100 बर्ड्स के ऊपर 10 ग्राम ये पाउडर विमरल के साथ मिला करके दिया जाता है। इससे चूज़े बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, और जब जल्दी ग्रो करेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि 2 या 3 बैग जो अनाज है वो कम खाएंगे, और जो किसान होता है, जो पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा होता है, उसको उसकी बचत हो जाती है देखिए बोरे दाने की। जब 2 से 3 बोरा दाना बच गया तो मान के चलिए 6 से 7 हज़ार रुपये की बचत हो जाती है। इसके अलावा मुर्गियों को अलग अलग टाइम में एंटीबायोटिक्स भी दी जाती है, गैमरो की दवा दी जाती है। जब ये मुर्गियां 6 दिन की होती हैं, इनको गैमरो की दवा दी जा चुकी है, देख सकते हैं काफ़ी तेज़ गर्मी है, इस वजह से सारी सारी मुर्गियां भी आराम कर रही हैं छोटे चूजे। जब ये बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा, जैसा मैंने अपने बड़े फार्म का दिखाया था। ये देख सकते हैं नियोडॉक्स फोर्ट, ये जब चूज़ा आता है तो 1 दिन के बाद, या कोई कोई फार्मर उसको 3 दिन के बाद देना शुरू करते हैं। ये एंटीबायोटिक्स का काम करता है नियोडॉक्स फोर्ट। उसके बाद ये देखिए नेफ्रोगार्ड, ये भी इन चूज़ों को दिया जाता है जब ये कम खाते हैं। अगर ये अनाज जो है जिस क्वांटिटी में इनको खाना चाहिए अगर खाते हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर उससे कम खाते हैं तो फिर ये नेफ्रोगार्ड हम लोग इसको देते हैं। ये किडनी के प्रॉपर फंक्शनिंग में मदद करता है चूज़ों को। ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग दवाइयाँ हो सकती हैं, हम लोग इसको यही नेफ्रोगार्ड जो है वो देते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी दवाइयाँ दी जाती हैं समय समय पर, ताकि इन चूज़ों को अलग अलग बीमारियों से बचाया जा सके। ये जो प्री स्टार्टर क्रम्स है, जो दाना है, वो प्रति 100 बच्चे पर 1 बोरा के रेशियो में दिया जाता है। जैसा हमने अभी 900 चूज़ों को डाला है तो हमने 9 बोरा ख़रीदा था, 1, 2, 3, 4 बच गया है, और बाकी 5 बोरे चूज़े खा चुके हैं। अब ये चूँकि बड़े हो गए, थोड़े बड़े हो गए हैं, तो अब इनके खाने की रफ़्तार जो है वो तेज़ होगी और ये ज़्यादा जल्दी खाएंगे। तो 13 दिन में, आज हो गया इस चूज़े को 10वां दिन है, 3 दिन में वो 4 बोरे दाने जो है वो खा जाएंगे, उसके बाद फिर उनका प्री स्टार्टर दाना चलेगा। ये देख सकते हैं
बिजली की व्यवस्था, गर्मी का समय है इसीलिए ये जो बल्ब जलाने के लिए ये ऊंचाई पर कर दिया गया है। यही अगर ठंडे का मौसम होता तो वो और नीचे होता, और ये जैसे जैसे ये चूजे बड़े होंगे इनको फैलाया जाएगा ताकि ये आराम से दौड़ सकें, आराम से रह सकें। ये जो चूजे हैं वो 23 से 24 दिनों में तैयार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा होगा तो 25 दिन। हम लोग इनको स्टैंडर्ड साइज़ में यानी 1.25 किलो का, 1 किलो 300 ग्राम का होता है तो हम लोग निकाल देते हैं। बड़े फार्म वाला जो है वो बड़ा करते हैं, उसको 2 किलो से ऊपर करते हैं, लेकिन ये जो छोटा फार्म है इसलिए यहाँ के जो चूज़े हैं वो छोटे साइज़ में ही निकल जाते हैं। पहले इन चूज़ों को पूरा कंप्लीट 1 महीना लगता था मैच्योर्ड होने में, 1.25 किलो का होने में, लेकिन आजकल अच्छी तकनीक से तैयार जो बीज उसका दाना होता है उसकी मदद से बड़ी आसानी से चूज़े जो हैं वो 24 से 25 दिन के अंदर तैयार हो जाते हैं। देखिए फार्म जो है बिल्कुल हवादार होना चाहिए, देख सकते हैं कि कितना हवादार यह है, हवा रुकनी नहीं चाहिए, इसीलिए जितनी खिड़कियां हैं उसके अपोजिट साइड में भी उतनी ही खिड़कियां हैं ताकि हवा आए और आराम से निकल जाए। जितनी हवादार ये फार्म होगा मुर्गियों का ग्रोथ उतना ही अच्छा होगा। अगर हवा रुकेगी तो फिर मुर्गियों की ग्रोथ जो है वो प्रभावित होती है, उससे अफेक्टेड होती है, मुर्गियां बीमार होती हैं, मोर्टैलिटी ज़्यादा होता है। तो फार्म बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, इस बात का बिल्कुल ध्यान रहे। ये अभी जो चूज़ा है वो छोटा है इसीलिए देखिए इसका जो फीडर है, और इसको फीडर बोलते हैं जिसमें हम लोग दाना देते हैं, और ये ड्रिंकर है जिसमें पानी होता है। लेकिन जब ये चूज़े बड़े हो जाएंगे, अभी 13-14 दिन का जब हो जाएगा और इन्हें स्टार्टर दिया जाएगा तो फिर इनके लिए जो फीडर या ड्रिंकर है वो बड़े साइज़ का होता है। आप देख सकते हैं, देखिए इसका बेस है बड़े साइज़ का है, देख सकते हैं ये रखो तो रखो ना उस पर लगाना, ये बड़े साइज़ का हो जाएगा फीडर, क्योंकि बड़ी मुर्गियां जो हैं वो ज़्यादा खाती हैं, तो छोटे फीडर में अगर खाना देंगे उन्हें तो जल्दी जल्दी खा जाएंगे, बार बार मेहनत करना पड़ेगा, इसीलिए इसको बड़े वाले में दे देते हैं तो कम से कम 1 दिन वो इसमें से निकाल निकाल के वो खाती रहती हैं। उसी तरीके से देख सकते हैं ये बड़ा ड्रिंकर भी है, ये बड़ा ड्रिंकर, उसको हटाना अलग से लगाना उसको, बिल्कुल देखिए सफ़ेद वाला ड्रिंकर है, इसको अभी वही बेस है, इसमें नीचे भी सेट किया जाता है इसको, ये ज़्यादा पानी होल्ड कर सकता है, देख सकते हैं इसको। जब ये मुर्गियाँ बड़ी होंगी जैसे जैसे तो हम इसको आपको अपडेट करते रहेंगे। उम्मीद है कि जो जानकारियाँ मैंने दी आपको वो इस
बिजनेस से जुड़े हुए लोगों को अगर वो जो देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। देख सकते हैं अभी चूज़े बहुत ज़्यादा गर्मी है चूँकि, तो ये सारे के सारे चूज़े आराम कर रहे हैं अभी, और जैसे ही ठंडा होगा ये सब उछल कूद करेंगे। इनके लिए इन्वर्टर की फैसिलिटीज़ देख सकते हैं, क्योंकि अगर बीच में जो बिजली चली गई तो इनके चिल्लाने की आवाज़ से परेशान हो जाता है इंसान, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं। चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे जब मैं और वीडियो बनाऊंगा और सारे अपडेट दूंगा आपको। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए, और अगर आप सब्सक्राइबर ऑलरेडी हैं हमारे तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब कभी भी मैं आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।